नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्या नाम है आपका, सभा के केस को लेके हम लोग कंटिन्यूशन कर रहे हैं और उसके हस्बैंड के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। ओके, और इनके हस्बैंड को हमने कहा था कि अपनी मम्मी को लेकर आने के लिए, और अभी सभा की मम्मी भी साथ में है क्योंकि इनके हस्बैंड ने क्लेम किया था कि सभा के काफ़ी सारे अफेयर्स हैं और इसकी मम्मी से पूछ लो। खाला बताइए क्या बात है। और एड्रेस दोनों में से अभी एक से डेढ़ बजता ही है। हाँ, तो जब ये मेरा दामाद मेरे घर पे आएगा, हाँ, तो सभा नहीं थी बोले मेरी, लेकिन रात को आके मेरी बात भी सुनती नहीं, वो काम ऐसे ही छूट जाता है। हाँ, तुम उसको ले जाओ, बोले उसका असर है वो मुझे मालूम है, पकड़ के दिखाओ। मैंने पकड़ूंगा जब, तो मुझे उसको लेना है, रखना है, मुझे उसको रखना ही, तुम्हें पकड़ के क्या मतलब। इस दरमियान मेरी दोनों बेटियाँ थी, दोनों नवाज के थे और मेरे हस्बैंड भाई थे, सभा नहीं पूछते दिन में, ये दिन में पूरा दिन देखे मेरे पास, शाम में इवेंट पे निकल जाती, इवेंट हो या कैटर्स जो भी करती है वहाँ से खाना भी लेके आती कभी। और मैंने यही बात उसको, इसके बहुत सारे अफेयर ये बात छू, ये मैंने नहीं बोली। और एक बार मैंने इनको बुला के बोल दिया तो घर छोड़ के सब गुस्सा चली गई, वो रोड पर गई रही है। और दोनों मेरे तुमने निकाला था कि ये गुस्से में गई थी, ये गुस्से में है, तुमने निकाला नहीं, तुमने मैंने बोली कि वो रोड पर रही, मैंने सुनने में आया वो गुस्से बोली प्लास्टिक बांध के कोई जगह का नाम बम्बई में बड़े रोड पर, बंगाल है लोग के साथ, हाँ, उसको पैसा देना पड़ता है उसको लेने का, और तुम मेरे घर पे दुकान पर नहीं आना, रोड पे तार पकड़ी बांध के तुम बना मेरे दुकान पर भी नहीं आना, के लाइन में फुटपाथ पे दरगाह के तुम लेस मार के, कहाँ पे कौन सी दरगाह, ये रोड पे मेरा तो, हाँ, लेस मार के लेस में झोंक लिया ना लाइन से, हाँ, वहाँ पे तुमने शहर में क्या, मेरे दुकान पर तुम नहीं आना, मेरे घर पर तो नहीं बनता, नहीं ना पानी पीता, चाय का तो बहुत दूर की बात है, मुझे मार के तो आपके इनके कवर में नहीं जाना, जो राइट है हमको, नहीं बंदा चाय पीता ना पानी पीता, बहुत बोल सकते हो, घर पे भी नहीं, दुकान पर भी नहीं आना, फोन भी नहीं करा, बोले क्यों, बोले ये दोनों बच्चे लेके चली गए जिद्दी, मैं भी कब तक करूँ, पहली डिलीवरी से लेकर दूसरी डिलीवरी तक साल छः महीना से इनको खाली, इनको भी पहले पूछो नहीं, फिर लोग नहीं भूलने लगी उस दिन के लिए पेट से लगा, मैं ना शादी नहीं, शादी हो गई ना, नई शादी हो गई, मैं काम एक ही बार बोलता मैं काम करूँ तकलीफ में और पैसे में सुनो, मैं कब तक बुरा बोल रहा, कौन सा हस्बैंड है, कौन सा बेटा है, बच्चे छोटे और जिम्मेदारी अल्लाह ने लोग की दे दिया, ये या जिंदगी में इसको दो बेटे भी आ गए और दोनों ऑपरेशन, ये नहीं हमने 1000 2000 3000 मैं खा के किसी, एक बार मेरे दोनों बच्चों के 1000 रुपये खुदा लाने दी थी, एक बार 3-4 साल पहले की बात है, और 500 रुपये मुझे मेरे राशन के लिए थे, मेरे लिए, बाकी इसके लिए भी 2000 1500 देते बस, ये कभी कभी 6 महीने में 4 महीने में वो भी देना बिल्कुल बंद करके मेरे हाथ में ला के, इन पैसों से ज़्यादा तो वो खुद कमा लेती है, मैं इसको बहुत बार तलाक ले इनको बोली दे दे, चलो जीत करे बच्चे, बच्चे कोई माँ नहीं देगी, पूरा साल मैं मेरे हस्बैंड को बच्चे ले ली, मैं पाली कांटे बेच के रोड पर पालती हूँ, मैं इटली कांटे बेच के इन लोगों को ही पाली, इनके बच्चे ही पाल ली, मेरे ही पाल ली, और अल्लाह का करा अली रहे, जो लॉयर ने मेरे को बोले थे आप एक एक चीज की ना बिल रखना, एक एक चीज का हिसाब रखना, मेरे दूध की तक ना आपा, मैंने दूध बार बार छोटी मेरा नहीं पिया ना, तो मैं दूध की चिट्ठी तक रखी थी दूध के कार्ड, बट कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुई, मैंने सब फेंक दी गुस्से से, सब ए टू जेड कुछ खर्चा नहीं मिला ना, मेरे को डिलीवरी का मिला, मेरे को ब्लड चढ़ा उसका मिला, कुछ नहीं मिला, लास्ट टाइम 6000 लिया था, वही बताई ना आपको मैंने, एक ही बार कोर्ट में मेरे को मिला है, उसके पहले एक बार मिला है, इससे काफी दिन तक 1.5-2 महीना तो वो समाज ज्यादा अलग था, पूरा साल भर 1200 मैंने ना 6000 और शायद उसके बेटे को दम्मा अटैक आया था, ऐसे ही रखे एडमिट होता है ना, मैं बुलाऊंगी ना तो क्या बोलते हैं मैं काम पे हूँ, और जब पैसे मांगूंगी ना तो क्या बोलते हैं मैं काम पे नहीं हूँ, तब बताओ मैं क्या सोचूं, मैंने भी बोलना छोड़ दी, कभी आया नहीं, आते कभी कभी आते, माँ की साइन है बाप की है ही नहीं, देखो एडमिट हुआ है ना मेरी टाइम पे, ऐसे बॉडी गार्ड होता किसी का, ऐसे खड़े रहते आके उसके अंदर तुम बारह मिनट में कितना फोन के लिए रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़ी तुमने अपनी मर्जी से बिना पूछे पैसा दिया, हमारी बड़ी चाची केम में के नायर में हेड है ना, तो वो तो रिटायर हो गई थे ना, हेड है ना, तभी मैं बोला ना मैं बात एक करता हूँ, अपना पैसा किसी को दे दिया और वो पैसा लेके भाग गया, इसमें मेरी गलती है, फोन नहीं दिया इनका कुछ, मैंने तुमने हमारी चाची हेड, मैंने क्या बोला था मैं
मैंने ऐसा मैं चाची के भरोसे पे लेके गया था ये बीमारी मेरे चाचा जी गई थी भरोसे पे लेके गया था के घर पे अभी रिसेंटली रमजान में गई थी तो डॉक्टर क्या बोला तुम्हारे बच्चे की हालत बहुत खराब है ब्लड टेस्ट प्राइवेट में करा म्युनिसिपैलिटी में 3-4 दिन जाएगा ये हमेशा फोन करो साल के 12 महीने आउट ऑफ रहते क्या दुबई जाते तो पैसे गए थे माँ को बोलो तो माँ 24 बीमार रहती है तो जो माँ बीमार रहेगी बेटी के पास जाएगी ससुराल मिलने नहीं जाएगी घर में रहेगी 24 उनकी मम्मी बीमार रहते एक बार मैं सडनली घर पे घुस गई मैंने मेरा भी हक मारे या कुछ भी करे अब डरना नहीं है मेरे को रमजान में घर पे घुस गई देखती तो पूरे गप्पे मारते बैठे हुए एक मिनट मैं बताती हूँ इनकी बहन सब गप्पे मारे थे मेरी एनएम दो तीन भाई है एक भाई को गोद दिए बड़ी माँ को और दो भाई है एक बहन है पूना में ससुराल है बहन के बाद है फिर एक भाई है जो गोद दे दिए फिर छोटा भाई है जो काम नहीं करता भटकता रहता है तो वो तुम घर में क्यों नहीं रहती उसकी बता रही हूँ ना हॉल और बेडरूम बेडरूम में कौन रहता है बहू बेटे बेडरूम भाड़े पे दिए रेंट पे वहाँ पे एक औरत और एक हस्बैंड और दो उसके बच्चे उसका आदमी ज़्यादातर आउट ऑफ रहता है दुबई में औरत बम्बई में पासपोर्ट ऑफिस में काम करती है वो रात को आती है और दो बच्चे मेरी सास संभालती है तो उसका आदमी कभी मैं बीच में ससुराल में रहती थी जब मेरा छोटा बेटा 6 महीने का गोद में था ये नहीं था तो उसकी वो औरत है ना सुबह जाती है शाम को आती है उसका काम मुझे करना है उसके मैं देवर की लूंगी दूंगी देवर की अंडरवेल दूंगी अब मैं गैर मर्द की अंडरवेल और लूंगी क्यों दूंगी ये बताओ कहाँ का इंसाफ है एक सेकेंड वो कभी एक मिनट उसका एक्सीडेंट हुआ था क्या नहीं बीच में वो आया था कि नहीं वही साल की बात बता रही हूँ नहीं बोले ना मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगी तो वो उसकी अंडर मैंने एक बार कपड़े भिगाए थे एक साथ तो मैंने नहीं धोई तो मेरे को बोले अम्मी ने क्यों नहीं धोई मैं बोली मैं नहीं धोऊंगी क्यों धोऊं मैं दूसरी उसकी औरत है ना धोने के लिए तो बोलता है फिर इनको बोले देख तेरी औरत काम नहीं करती चुन चुन के काम करती तो ये मेरे को बोले तो मैं बोली बोले ठीक है समझ के ले मेरे को 2-3 बार समझाए थे उसके बाद मेरे देवर को बोलूँगी बहू लोग को बाहर निकलना मना है बुरका पहन के निकलने का नाश्ता ला के दो तो देवर बता अरे जाओ मेरे को बोलता है अरे जाओ तो मैं नीचे उतरूंगी तो प्रॉब्लम तो बेटे से मंगा रही तो क्या प्रॉब्लम है वो मेरे को बोलता है अरे जाओ तो एक बार मैंने अपने बेटे का नाश्ता लिया अंडा पाव तली तो इनकी माँ इतना रो रो के आंखें लाल करी रो रही बोलती तेरे छोटे भाई को नहीं देखती मेरा मर्द नहीं है यतीम बच्चा है वो ऐसा करती है तेरी औरत अरे तो मेरा मासूम बच्चा अंडा पाव खा रहा हूँ 18-19 साल का बच्चे में फ़र्क देख रहे वो मासूम बच्चा अंडा पाव खा रहा तो क्या हो गया इतना तमाशा फिर वो काजू बादाम लाती है उसका आदमी लाया था बाहर से वो खाते तो गुटखा मेरी सास पहनते नोट मेरी सांस लेते सब चीज़ मेरी सांस लेते तो मैं क्यों दूसरे मर्द का सब दूँ तो वो बात से ना बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होने लग गई थी और झगड़े होने लग गए थे यानी कि भाड़ूत्री का और मैं हॉल में मतलब हॉल है छोटा सा और बेडरूम तो भाड़ूत्री का है हॉल में देवर के सामने रात भर उपट्टा ओढ़ के दिन भर बहू उपट्टा ओढ़ती समझ में आता रात भर कौन सी बहू उपट्टा ओढ़ती रात भर मेरे को उपट्टा ओढ़ के सोना पड़ता है दूध डर डर के पिलाना पड़ता है तो ये खाकर इंसाफ है ये बोले बेडरूम में हम लोग को रखो मैं भाड़ा देता हूँ बेटा बेडरूम का भाड़ा देने को एग्री मगर सास बोलती नहीं तुम लोग निकलो मैं भाड़ूत्री को नहीं निकाल दूँगी ये सच बात है ये सच बात है ये बात मैं मेरी मम्मी को भी फोन कर करके बोलती थी कि मम्मी मेरे को रात भर ऐसा दूध पिलाना पड़ता है डर डर के क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बेडरूम के बाहर भाड़ा देने के लिए तुम एग्री थे कि नहीं तुम्हारी माँ को तो बोला था लेकिन मेरी माँ ने ऐसा तो नहीं बोली कि तुम लोग अपने घर चले भाड़ूत्री मेरा सहारा है बोले ये पैसा नहीं देता है कमाता नहीं है भाड़ूत्री से मेरा सहारा है यानी कि भाड़ूत्री बहुत बैक सपोर्ट करती थी मेरी सास को खाने से लेके हर एक चीज़ से क्योंकि ये पैसा नहीं देते थे घर में जो फैक्ट है वो है तो वो बेटे को रखना पसंद नहीं कर रहे थे भाड़ूत को रखना पसंद कर रहे थे तो वो बात में ससुराल में छोड़ तो बाद में कुछ करे तो आप वो जिम्मेदारी मेरी है ठीक है क्योंकि इन लोग ने मुझे मारे भी थे और मम्मी को बुलवाए थे मम्मी को बुलवाए थे मम्मी क्या बोले थे ससुराल में माफी मांगे थे आज के बाद ऐसा नहीं होगा लेकिन तुम तुम्हारी बेटी को लेके चले रखना चाहता है कि छोड़ना चाहता है मैंने इसको अभी आप बता रही है इसने के घर में झगड़े हुए घर में झगड़े होने के बाद भी मैं इसको लेके रहा क्या नहीं तुमने नहीं रहे मेरा घर था वो मैडम अभी अगला महीना फेर है मैं आपको लेके जाऊंगी नहीं मैं दूर खड़ी रहूंगी सिर्फ इतना पूछना मेरी फोटो खाली 5,000 रुपए डिपॉजिट एक मिनट ये लड़की यहाँ पे कैंडल बेच के माँ मेरी फेयर में ना मैं कैंडल बेच के दोनों बार घर ली बहन है ना थूक लगा के पैसे गिनती है इनकी शर्म नहीं आती देने के बजाय और है ना मेरे उसी के पास कर दी क्योंकि हम लोग दोनों मेरी बहन के पास रहते थे खाते थे भाई को 2 थप्पड़ मार के वो कैंडल बेच रही है और ले रही तू क्या कर रहा है तो मैं काम पे जाके पैसा नहीं लाता था वो पैसा मेरे मेरा जो भाई अभी मर गया अभी उसको तो ला नहीं सकती हूँ वो माहिम से मेरे लिए अंडा पाव लेके अंडा पे लाता था मैं भूखी रहती थी मेरे घर में सिवाय पानी के ना कुछ नहीं रहता था
और पेट से मुझे कितनी भूख लगती थी, आपको भी पता है प्रेग्नेंट लेडी को भूख लगती है। मैं खाना इसके लिए लाता था डेली चाइनीज। हाँ, और ये बार स्वागत बार है ना वडाला में, वहाँ पे बियर बार में दारू पी के फुल टल्ली सब चटनी वटनी लगा के आते थे। मैं जब भाड़े से लिया था तब मैं दारू पी के आता था। हाँ, रोज बियर बार में। और मेरे बच्चे देने की बात है ना आपा, मैं देने के लिए एग्री हूँ, लेकिन बच्चे देने की बताओ नूरजान दी शक्ल बता। बच्चे अभी माँ से बच्चे बिछड़ के बाप बोल रहा है ना मैं लेऊंगा क्योंकि मैं बाप को दे दूंगी, लेकिन बाप को देने के बाद बाप बच्चे बोलते कहाँ जाएंगे, एक कट्टर बेवड़ा दोस्त है नाजिर नाम है, एक बच्चा वो संभालेगा मेरा, और एक माँ ने खुद का ही बेटा दूसरे को गोद दिए तो उसी की औरत हिंदू है शादी करके आए वो मुस्लिम में कन्वर्ट हुई उसको एक बच्चा देंगे ताकि लोग तकलीफ मारे और बोले थी वैसी थी। अगर मेरे को ऐसे माहौल में आपका बच्चा पालने का रहता तो मैं म्यूनसिपाली में फाड़ती और कपका दे देती, लेकिन मुझे बच्चा देना ही नहीं, बच्चे को बचपन से लेके ये सब मैं करते आ रही हूँ ना, तो मैं ही संभालू, तो अभी भी मैं ही संभालू, मैं बच्चे को दूंगी ही नहीं, मदद मेरे से मेरे को ना इसके लिए ऑफर नहीं, मैं 200 दूंगी, एक महीने की फीस होगी, अगला महीना निकाल दे रही, अभी भी नीचे भी आपके ग्राउंड में अभी भी वक्त निकाल के मुझसे बाटी जाए, लड़की जीत कर रही नहीं वहाँ, मैं जो रात है उसको चलाऊँ पढ़ा। और क्या डायलॉग मारते पता है आपा मुझे, मैं बोली ना मेरे को बच्चे का फ्यूचर बनाना, तुम जैसा कर रहे सिलाई विलाई मैं कर रही हूँ ऐसा नहीं, तो मेरे को बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाना, क्या बोलते बाप म्यूनसिपैलिटी में पढ़ाना उसकी औलाद भी म्यूनसिपैलिटी में पढ़ेंगे, ऐसी थिंकिंग है, थिंकिंग है, कैपेसिटी नहीं, बाप कुछ भी करता अपने बच्चे के लिए, कमाई कम है तो मैं क्या बोला म्यूनसिपैलिटी में पढ़ा लेना, कमाई कम है, ड्राइविंग का हुनर है, सिलाई का हुनर है ना, मेलो में रुक जा शवा तो लाखों में मारू जा तो जो बोले वो बोलने दे, असल में ना ये लोग ने ना तुमको डॉट था ना बीच बीच बोलती हूँ सपने बोलती कि भले मीडिया में जा रहा हूँ, ये लोग ने ना एक रूल्स बना लिए, ये लोग आगे पीछे बड़े नहीं बोलने वाला, शादी तो इसकी माँ ने खड़े नहीं कराई, बाप ने, भाई छोटा बहन छोटी, तो जैसी मारो मरेगी, चाचा खड़ा जाता बप्पर माँ खड़े जाती नहीं आया चाचा लोग आपके पास कभी नहीं आया, कभी एक फोन नहीं, शादी करने थे इसका तीन दिन पेट लेके ऊपर चढ़ी ताला देके नीचे आई, मेरे पुलिस देके फौरन पकड़ी, चलो क्या हुआ, चलो धमकी देने थे और वो सावेरा खाले क्या नाम है उनका, वो भी तो थे ना साथ में, फरीदा थी अक्का थी, हाँ वो तुम्हारी इसको रख ले पेट लेके कहाँ जाएंगे इनको तो पानी, लेकिन तुमने कैमरा पुलिस को दिखा के नीचे कर देखिए तुम्हारा चाचा वकील के साथ है, ऊपर माँ पुलिस थे, तीन तुम्हें भी बिल्डिंग थी, उस दिन से बना नाश तक तुम्हारी छुरी से मैं हाथ जोड़ती, वो जैसा करी वैसा भरो उसका भी अल्लाह ही मालिक, क्यों मैं चौकी और कोर्ट से साफ कर गुजरती, उन लोग के केस में भी पैसा दे देके मेरी टिकली और कांटे में इतना नहीं कमाती जिसको मारने कोर्ट में थक गई, मैं तेरा कोर्ट जान और तुझे अल्लाह के ऊपर छोड़ दी, देखे तो भी मैं जाती तुमको मैं तेरा 6,000 ले लिया पान उसको पकड़ दे, जब मैंने तंग आ गई कोर्ट में 500 मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे इसका दूध और रेगिस करना ही करना, ये जब लाएंगे पैकेट तब लाएंगे, रोज अमूल दूध का पैकेट 22 रुपये का था, मुझे दूध लेना पड़ता, वो माँ का दूध क्या नहीं जानते, इसने बहुत छोटे पन में इस दिन इसको छोड़ दी, वो पैस तो किया है जो आया था उसे तो वो भी नहीं जानता, ये लोग के झगड़े में मैं बोली तुम लोग दोनों को बच्चे दूंगी इच्छा कुछ भी है, दोनों को बॉडी में डाल दूंगी यतीम खाने, दोनों को भगवानी मुझको भी दी, मुझे बोली तुम लोग दोनों को बच्चे दूंगी, अभी जितने ऐसी ऐसी जबान चलाई ना गफलत नहीं, मैं मानती हूँ कौर हो जाता है इंसान बोलता है, ठीक है कौन सा मुझे उसको लेने, मतलब इतना छोटी उम्र में उसको इतनी तकलीफ देख ली ना खाना कि उसका जबान चलेगा ही चलेगा, मैं नहीं बोलती नहीं, मेरा ऐसा आदमी रहेगा ना तो जबान चलेगा, सेकेंड आदमी है जो पहले मदद की मेरे, तो मेरे को इसकी बेटी की बनती नहीं थी तो इसको उसकी वजह से कुछ कर ली शादी, तो शादी करी 10 लोग के सामने नहीं 1.5 लाख लोग के सामने करी, मैं खीर पूरी मेरा ना आप दुपट्टा हटा हटा के ना इनकी नानी लोग दे गए थे नकली लच्छे पे मेरा लिखा हुआ है, जो 60-70 रुपए का लच्छा मिलता है ना उस पर मेरा लिखा हुआ है, तो मैं वो धार आई मेरे हाथ में आंसू भर गए, पूछे क्या हुआ, मैंने देखो तुम्हारी अम्मी लोग ऐसे तो बो रहे थे हटा हटा के, मेरी अम्मी भी कुछ नहीं बोले हंस रहे थे, तो बोले जान दे मैं सही हूँ ना, तभी भी मैंने गम खा ली, बोले उनकी नानी बोलती वॉशिंग मशीन नहीं लाना हुआ थे तो फ्रिज नहीं लानी हुआ, तो मेरी नानी हमारे घर में नहीं, मैं कहाँ से आप लाऊँ, मेरी अम्मी को आजू बाजू वाले जितना दिए कोई बर्तन दिया, मेरी फ्रेंड सर्कल में उनको कबर्ड दिए पलंग दिए मैंने वो तक बेच दी क्योंकि मेरी इतनी हालत खराब थी, मैं मंगलपुराजी और जुमेरात निकाह हुआ और मेरी मम्मी ने ना जोड़ा बाजार से मैं दूसरे का झूठे जोड़े में निकाह करी, लेकिन मेरी मम्मी ने 1,000 लगता है
वहाँ से चम्मच खाली कम कर दे, जिससे हल्दी क्या गुरखा बन चम्मच है, इससे कि इसको निकाल दी कि बाप बेटी का मनता नहीं हुई। अभी भी मैं इसकी सपोर्ट में फूल हूँ। मुझे मेरा मर्द जो चारों मेरा मर्द लोग है, एक तो मर गए, तीनों मेरे मर्द से बढ़ के, लेकिन ये हालत कैसे कष्ट कर रही थी, नहीं मेरे लिए मेरी बेटी ना, मैं उसका बुरा बोलती अभी भी बोलती आराम करके रहने के अभी लायक नहीं, क्योंकि इसने इतनी तकलीफ देख ली, वो उसको वक्त ला कर दे सकता वापस। इनको ढूंढने के लिए तो मेरी सीतानी रात दिन एक करे, आप इतनी दुआएं मांगते लंगड़े हो, आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है, लेकिन उनका एक्सीडेंट हुआ है। रात को मैं उनके घर पे सोई थी, उनका बेटा बाहर गए ऑफिस के सिलसिले में, बोले मेरे पास ही सो अभी मैं रिसेंटली ना रमजान में इनके घर पे गई, तो इनकी सब फैमिली थे, तो मैंने देखो मेरे बच्चे को ना फोन वोन निकालने के लिए बोले थे, इसका ना हालत बहुत खराब है, अम्मी फोन नहीं उठा रहे, तो बोलते मेरा भाई मेरा भी फोन नहीं उठा रहा, मैं पुणे आने के लिए कब से बैठी हूँ स्टेशन छोड़ने के लिए, तो मैं बोली कब तक ऐसा चलेगा। बोलते गंदी नाली का कीड़ा ये खुद छूने ले, ऐसा बार बार बोलते गंदी नाली का कीड़ा है, मिर्ची की भुक्की से दम लूंगी बड़े वाले को, इसको तो देखे भी नहीं अब तक कैसा है क्या, तो मैं खुद से लेके आके दिखा दी, ऐसा तो बोल बोल के तो मेरे को हटा दिए। रमजान में गई तो दोनों माँ बेटी एडवाइस दे रहे, मेरे बेटे को तो तलाक दे दे, तो दूसरी शादी कर ले, मैंने मेरे से तो शादी कोई भी मदद कर लेगा, ये दोनों से कोई शादी नहीं करेगा, इन लोगों को कोई अपनाएगा नहीं, ऐसा अपने बेटे को सेव करने के लिए मेरे को बोल रहे शादी कर ले इनकी माँ। बाबा अभी क्या करने का बता, कलीम क्या करने का तेरा क्या डिसीजन है, वो क्या चाहती है, वही बताई थी ना कल चाहती थी वो, मेरे को तुम्हारा मेहर भी नहीं चाहिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा मेहर माफ कर दी अल्लाह के नाम पे, और ना मेरे को तुम लोग की प्रॉपर्टी में से एक रुपए चाहिए, मेरे दोनों बच्चे का मेरे को हिस्सा चाहिए, पैसे की लालची खबर दे देंगे तो मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे घर दिला के देंगे, क्योंकि मेरी माँ के ऊपर भी मैं नहीं रह सकती, क्योंकि वो खुद कमाती है, तो मेरे को दोनों मैं घर लेके काफी भी पड़ी रहूँगी, कहाँ से अपनी माँ घर दिला के देती, दो बच्चे उन दोनों का हिस्सा इन लोग इन लोग के नाम पे करना, खुलानामा रेडी करेगी वो, आज से 7 दिन बाद तू वापस आना, ठीक है, खुलानामा रेडी करेगी वो, और तू उसका हिस्सा दे दे दोनों बच्चों को, मेरे नाम पे भी घर का हिस्सा मैं कहाँ से दूंगा, तो पैदा क्यों किया, वो पैदा करने की बात ही है, मैं कहाँ से दूंगी, घर का चाचा लोग का, चाचा लोग का नहीं है, ये लोग स्टार्टिंग में नहीं बोले, ये बात भी तुम गलत मत करो, नहीं चाचा कभी चाचा के आज तक मेरा कोई मेरे सिवा आज तक मेरे इतनी बार झगड़ा मेरे सिवा इन लोग के घर पे कोई नहीं आया, कैसे आएंगे, अब आओ तो भी तकलीफ नहीं आया, तो फिर बोले क्यों नहीं आएंगे, खाली मेरी बहन आई थी, मेरी बड़ी अम्मी आई थी, वो भी लड़की के लिए मैं खुद लाके मिलाया था, क्या मतलब नहीं जानते मिल गया, वो टाइम पे मेरी बहन इससे अच्छी थी, मेरी बहन के घर में हम लोग रहते थे खाते थे, माँ ने तो बोली तुम माँ को बोलो की मैं मेरी औरत को तलाक दे रहा, तुमको ज्यादा दहेज वाली बहू लाऊंगा विवाह से, दहेज की बात कुछ नहीं हुई, मतलब इन लोग की इज्जत रखने के लिए मेरी मम्मी को क्या बोला था, अम्मी वॉशिंग मशीन दे दिया और क्या फ्रिज भी दिए, मैंने खुद से बोला था, मेरे घर वाले ने पूछा, मैंने क्या बोला अम्मी मैंने बेच के सब खा लिया, सीधा ऐसे बोला, अभी लोग ऐसा बोल रहे भाई मैं क्या मैं आप बोले सही है मैडम, लेकिन इन लोग कैसा बोल रहे दहेज कर, अच्छा मैं क्या बात देखो बात प्यार की नहीं है, मैं चाचा से मांगो ये कहाँ जाएगी, मेरी भी कुवत देगी, मैंने पहले बोला था ना कि मैं अपने घर तार पत्री में रहेगी, तेरे घर में लाके छोड़ू मैं, तेरे घर में लाके छोड़ू मैं, मैं कहा बोल रहा हूँ, मैं ठीक है चल रहते ना, मैंने इससे पहले भी एक बार बोला तेरे घर पे लाके छोड़ू मैं, अगर तेरी माँ अब भारतुरी को निकाल के बाहर फेंकेगी, मैंने वो भारतुरी को निकाल के बाहर फेंकेगी, मैं क्या बोला मैं लेके रहता हूँ, एक बार बीच में बोला भी करके जाने के बाहरों में आता हूँ और मैं भूखे पेट मारूं, बच्चे लोग के पेट मारूं, तो सच्ची मेरी जिंदगी ना बर्तन घस के एटलीस्ट, वो बेगम आज देख के 25 है ना 2 तारीख को 2 सितंबर ये लड़की को दोनों बच्चे लोग के साथ में इसके घर पे छोड़ने का, वो भाड़ूतरी को निकाल के बाहर फेंकने का, समझ में आया, तेरी माँ को बोल देना 7 दिन के अंदर भाड़ूतरी को खाली करवा देने के लिए, नहीं तो इसको घर दिलाने का, चाहे हैवी डिपॉजिट पे दिला, समझ में आया,
हेवी डिपॉजिट पे दिला, नहीं तो वो मारती जी को निकाल के बाहर पे, वो रूम में वो लड़की रही थी। तू शादी कर, तू भाड़ में जा, मेरे को नहीं मालूम। खुला लेने का तेरे को, तलाक लेने का है ना, तो वो लड़की को उसका हिस्सा दे। वो ताड़पत्री में रोड के ऊपर नहीं रहेगी, मासूम दो बच्चे लेके रोड पे रहेगी। तेरे को सोने के लिए बराबर मालूम था रे, शादी करने के लिए बराबर मालूम था। दो सितंबर तक वो भाड़ू तेरी खाली होना चाहिए, नहीं तो ये सात दिन के अंदर तू पैसे का बंदोबस्त कर और खुला नामा रेडी कर और उससे तलाक ले। लड़की खुला ले सकती है। भाड़ में जा रहे, रोज जाके बियर बार में बैठने होता ना तेरे को? रोज बियर बार में जाता ही तू तो बोला ना कि इसके फेरे ले उसकी माँ बेटी सामने। अब बोल, तेरी माँ को क्यों नहीं लाया? कभी सेफ रखते नहीं मेरी माँ, कभी शायद कोई चीज में नहीं आई मेरे। ना शायद कोई चीज में नहीं आई, उसको तकलीफ देने में बराबर आई। डोमेस्टिक वायलेंस में एक एक मारो। देख मैं एक बात बोलती हूँ, मैं ना केस फाइल कर दूंगी, नहीं तो तुम लोग के ऊपर जब बेटा मैं केस फाइल करूंगी ना, तो ये क्या इसके अच्छे अच्छे आएंगे। उसका चाचा भी जाएगा बराबर, चाचा भी जाएंगे टीवी। अल्हम्दुलिल्लाह ने मेरे को बहुत इज्जत नवाज दी, समझे? ऐसे कोई केस नहीं जो मेरे पास सॉल्व नहीं है। मैंने सात दिन का टाइम दिया है, देखो इससे तलाक चाहिए तो पैसे का बंदोबस्त कर, उसको हैवी डिपॉजिट में दिया, खरीदवा मत। हैवी डिपॉजिट तो नहीं दिला सकता मैं। हाँ तो कितना दे सकता उसको जो भाड़े पे? वो मैं ममता तो साथ में लेके रह सकता हूँ। नहीं तू क्यों रहेगा उसके साथ में? फिर सोने और एक बच्चा पैदा करने, फिर उसका मेंटेनेंस कौन देगा? फिर सोने और एक बच्चा पैदा करने, नहीं ममता देखो ममता है नहीं ममता, तो उसको भाड़े पे घर दिलाएगा, भाड़ा कौन भरेगा? तू तो एक महीना आपके डर से देंगे, दूसरा महीना फिर मैं आपके पास आऊँ, आपका भाड़ा नहीं दे रहे, फिर आप इनको बुलाओ। इसलिए नको मैं जो मेरा फाइनल डिसीजन है मैंने बोल दी, तीन साल से हम लोग भूखे नहीं मर रहे, इनके एक रुपये पे डिपेंड नहीं है। मेरा जो डिसीजन है मेरे को बोली मैंने मैंने ना अकेले फीस भरी 1200 रुपये बंद हो गया, पैसा बंद सब बंद, छोड़ दी मेरा मुँह सूख गया, बोल के मेरी गरीब बहुत अच्छी है। मैं इनके घर में चार दिन एक आदमी भूखे मर गए, उनको लेके आप घर पे जाओ। 2 तारीख को मैं तुम्हारे घर पे आई, औरतों के मैं 500 कमा लेती हूँ, मर्दों के नहीं कमाते, दादू छुड़ाते रोड पे बैठती हूँ। तो मौसी बंगड़ी पहले वैसी बंगड़ी बेचती, टिकली बेचती, 700 को पाल रही मैं। एक मर्द पढ़ा लिखा तो तलाक के ऊपर रेडी करना, तुमको दूसरी शादी हुंडे वाली चाहिए ना, दहेज वाली चाहिए ना तुम्हारी माँ को, तो दूसरी शादी के लिए रेडी कर लेना और इससे पीछे छुड़ा देना। लेकिन इस लड़की को इसका हक देना, दो बच्चों का ले, मेहर भी माफ कर दी। देखो मेरा भी नीचे मेरे नाम से भी लेते हैं और हमजा के नाम से घर से सब छोड़ दी। बेटा मैं जो मेरी आदि सल्तन चौकी का जवान बेटी ये चौथा मौका है आंटी, वो बेडरूम, वो बेडरूम खाली करके उसमें रखवा दो ना, बेडरूम खाली करके उसमें रखवा दो ना, वहाँ पर मौका एक ही मिलता है। तो अगर तुम अगर जाती हो इनसे पूछो, क्या बोलते हो कभी बेडरूम खाली करवा के रखो फिर इसको, क्यों खाली नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे माँ का घर तुम भाड़ा देगी, भाड़ा भरने तैयार है? जब गाड़ी चलाता था तो मैं पैसा देता था, तो अभी भाड़ा कैसे भरोगे? कितना भाड़ा लेती तुम्हारी मम्मी उस रूम का? पहले मैं रहती थी तब 3000, 6500, 6500। हाँ तो तुम लोग 6500 रुपए तुम नहीं कमाते क्या? मेरे को बताओ मेरे साथ, तुम नहीं कमाते? मैं औरतों के कमाती 500-700 रुपए मैं कमाती, 500-600 रुपए मैं शाम तक कमाती। अरे कितने अच्छे से सुखी हो, दोनों काम करके घर चलाओ, काम करके घर चलाओ, अभी बच्चे संभाल लेंगे। अरे दूसरे के बच्चे संभाल रही तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे बच्चे संभाल रही, क्यों तोड़ रहे हो? हाँ, क्यों तोड़ रहे हो? नहीं एक बार उनकी मम्मी से आती है।
तुम एक काम करो अनुजा मैडम, तुम एक बार इनकी मम्मी को मिलकर बात करो और भाड़ी खाली करो। नहीं, मैडम चले जाएंगे बात करेंगे, एक बार ध्यान से समझा देंगे। ठीक है, 2 तारीख तक का टाइम दिया तुमको, 2 सितंबर तक, जिसके बाद में तुम्हें केस लाइन तुम्हारी मम्मी है और वो भाड़ोतरी के ऊपर भी, भाड़ोतरी भी तुझे गाली देती है ना। क्या क्या बोलती है, भाड़ोतरी का कोई राइट नहीं, तेरी बीवी है उसका पूरा हक है उस घर के ऊपर। वो बहू बनी है, मैं काम वाली हूँ वहाँ पे, वो बहू है मैं काम वाली हूँ, ऐसा सिस्टम है। जब इन लोगों ने मुझे रमजान मिला तो मेरा बेटा जिंदा था, जाके इसी को मैंने बहुत मारी थी, देखी यहाँ ना खून है, मम्मी पे ली है, बोली लोग गला दबा के दीवार पे लगा के मेरे को मारे, ये बोलती ये लोग मेरे तोड़ी, मैंने क्योंकि तसली के लिए मेरी बच्ची को ही मारी, चल बोलती नहीं मैं यहाँ ही मारूँ, चल बोली ना बोलती मेरी माँ माँ भी खेलती रहे बाकी, इसको देखूँगा मेरे शौहर को देखो इन दोनों को देखो, प्लीज दे लेके अपनी बेटी को बोलती मैं आऊँगी सर लेके जाऊँ मार मार आ जाएंगी, घास डालने जाती कहीं फांसी ले जाती और सब बंदूक टूटेली गले में नाखून जो दीवार में लगा, वो तो अल्लाह अल्लाह का रसूल जानता, इन लोग ने मारे थे कि खुद से करी गले में, कोई खुद से कैसे मारेगा, कोई तो देखो नहीं मारे, मैंने तो वही इसको मारी शबनम और कौन मारा था, मैं मारी थी उनकी बड़ी अम्मी की बेटी और वो बाद में इकरार करी ये फैजा खाला मैंने ना उसको 2-3 लाख मारी नसीहत के लिए झगड़े जाओ, चलो बड़ी नाम में कोई गम नहीं, लेकिन मैंने उसको 2 बार मेरा बच्चा बीमार है या खानदान नहीं आता, मचमच में ना पूरे खानदान आ जाते, पैसा देने कोई नहीं आता, इतनी तकलीफ है, लेकिन लोग के घर वाले कोई कुछ नहीं आता, हम लोग लफड़े हुए थे पूरा इसको ना वापस के छोड़ दिए लोग, 2 बच्चे देखे लोग के घर के, हम लोग बाल भी नहीं मारे पैसे और वो उस रात उस दिन का मैं कभी नहीं भूलूंगी, पुलिस भी आ गई फौरन और फौरन वकील भी आ गए अच्छा सा देखे, मेरे बाबा शबा मेरे को बस नुकसान आया करते थे, चौकी जाऊंगी मेरे 2-2 बच्चे लोग घर में लोग कौन देखे, अभी तो मैं मेरी अम्मी के घर पर जाऊंगी नहीं क्योंकि मेरी बहन थोड़ी वो शादी करने की उम्र थी, मेरे को देख के कोई उसको टूटेगा भी नहीं, इसके लिए मैं खुद ही अपना मुंह काला कर लूँगी क्योंकि उसकी भी शादी होने वाली, बड़ी बहन रहेगी तो छोटी बहन की शादी नहीं होगी, इसके लिए मैं हट ही रही मेरी सबसे वीडियो देखिए आपका होने लगी लगता मम्मी वंटी शादी भी जा बेटर मैं तेरी शादी को इंक्लूड नहीं कर रही देखा अपने को मुझे मालूम पता ही आपको इसका लगाने का तो नहीं है मैंने तेरी शादी को इंक्लूड मिली कि तेरे को शादी करेगा सब कुछ मम्मी के लिए भी जॉब करें मेहंदी सुनी जाती नहीं लगाइए वही दिखाई रात को बिता देंगे हाँ इसको रख करके मैं भी नहीं कर सकती 2 सितंबर याद रखा ठीक है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।